नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले सुकमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। 12 सालों से जिले में सक्रिय थी महिला नक्सली और लंबे समय से पुलिस को भी तलाश थी। अक्सर कई नक्सली वारदातों में संलिप्त होना इसका पाया गया था। 1 लाख की इनामी महिला नक्सली जिसने अब पुलिस के सामने, जवानों के सामने आत्मसमर्पण किया है और अब उन तमाम नीतियों का लाभ इस महिला को दिया जाएगा जो कि मुख्य धारा से जुड़ने पर नक्सलियों को दिया जाता है। नक्सली का सरेंडर और सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की ये बड़ी कामयाबी आप कहेंगे कि लगातार चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन का ये भी असर है कि नक्सली लगातार मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं। इसी तरह से 12 जिलों में 12 सालों से सक्रिय महिला नक्सली, इनामी महिला नक्सली जिसने अब आत्मसमर्पण कर दिया है। 1 लाख की इनामी नक्सली ने हथियार डाल दिए हैं। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए कि नक्सली भी अब लगातार मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और जितने भी नक्सली मुख्यधारा से जुड़ते हैं उन्हें तमाम नीतियों का लाभ भी दिया जाता है। बीजापुर की अब चर्चा करेंगे जहां जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया है। सुरक्षा बलों ने माओवादी स्मारक को ध्वस्त किया है। मुठभेड़ में करीब 3 नक्सली के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। आईईडी की चपेट में आने से हालांकि डीआरजी जवान जरूर घायल हुआ है। ऑपरेशन के लिए दंतेवाड़ा और बीजापुर की संयुक्त टीम यहां पर पहुंची थी और नक्सली सामग्री बरामद की गई। साथ ही साथ अलग अलग जगह जहां पर आईईडी प्लांट किए जाते हैं उस आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी के जवान भी घायल अवस्था में फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाए गए। और अब खबर कांकेर से है जहां नक्सलियों ने अपने साथी की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने नक्सली लीडर मानू दुग्गा की हत्या कर शव को कैसो कोड़ी गांव के पास फेंककर फरार हो गए। मौके से नक्सली का पर्चा भी मिला है जिसमें हत्या की वजह महिलाओं से दुर्व्यवहार करना बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मानू दुग्गा पर 8 लाख का इनाम घोषित था और वो कई नक्सल वारदातों में शामिल था। नक्सलियों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी है। उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो महिला नक्सली के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। उसकी हत्या कर दी गई है। उसका शव को और साथ में एक पर्चा को कोलीबड़ा थाना क्षेत्र में फेंका गया। कोंडागांव से अगली बड़ी खबर जहां बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। शातिर चोर गिरोह का खुलासा जिसमें ओडिशा से 10 आरोपी पुलिस ने पकड़े। आरोपियों से चोरी की 15 बाइक बरामद की जा चुकी है। 2 लाख की चोरी के मामले में बड़ा खुलासा, गिरफ्तारी भी फौरन हुई। हीरापुर में चोरी के मामले में गिरफ्तारी की गई है। कोंडागांव से बड़ी जानकारी जिसमें कुल 10 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, 15 बाइक जब्त की गई है। 2 लाख की चोरी के मामले को लेकर यह पूरा खुलासा और ये कार्रवाई इसे लेकर पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया। ओडिशा से 10 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए। अंबिकापुर की अब चर्चा कर लेते हैं जहां पर हाथियों का उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रामीण पर हाथियों ने हमला किया है। मौके पर ही एक ग्रामीण की मौत हो गई। जंगल में लकड़ी लेने के लिए ग्रामीण पहुंचा था और मौके पर वन विभाग की टीम भी अब मौजूद है। करदौनी जंगल की पूरी घटना, अंबिकापुर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर हाथियों का झुंड अक्सर पहुंचता है और अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं। इस बार भी ग्रामीण जंगल की ओर लकड़ी लेने के लिए पहुंचा था लेकिन अचानक से हाथियों के झुंड ने घेर लिया। हाथियों ने इस ग्रामीण पर हमला किया और मौके पर ही इस व्यक्ति की जान चली गई। वन विभाग की टीमें मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि ग्रामीणों को ये सलाह दी जा सके, उनसे अपील की जा सके कि वो जंगल के क्षेत्रों में ना जाएं। जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में एक हफ्ते से जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथी खाने की तलाश में लगातार घरों को निशाना बना रहा है और हाथी ने रेडे गांव में घर को भी क्षतिग्रस्त किया है। घर में रखे अनाज को हाथी ने नुकसान पहुंचाया और हाथी के उत्पात से लोगों में भी दहशत का माहौल बरकरार है। केवल अभी 5-6 दिन से केवल एक हाथी रहा है जो रेडे गांव के आसपास, जो कक्ष क्रमांक P 970, 978, 77, 78 इसमें अभी 5-6 दिन से था, लेकिन अभी वो आज वो कांसाबेल परिक्षेत्र की ओर निकल गमन कर लिया है। वो इससे पहले नुकसान के लिए नुकसान कहीं किसी का छोटा फसल कर लिया,
दो चार घरों को भी एक हफ्ता में 3 से 4 घर को भी नुकसान पहुंचाया है। पिछले रात को भी एक घर को तोड़ा है। इधर छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता संदीप यादव का आकस्मिक निधन हो गया है। संदीप यादव के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की और लिखा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान संदीप यादव ने शानदार काम किया था और जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवा की थी वो अनुकरणीय है। और छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह योग कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया था। प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से किया गया। राजधानी के चौरा ग्राउंड में एक साथ 21,000 लोगों ने योग अभ्यास किया। इस मौके पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शर्मा, विधायक सत्यनारायण शर्मा और विधायक विकास उपाध्याय ने भी योग किया। दुर्ग की अगर बात की जाए तो गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने योग किया। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मौजूद रहे। मनेन्द्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे और योगाभ्यास किया। विश्व योग दिवस के मौके पर अलग अलग 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं, जहां गरियाबंद, मुंगेली, बलरामपुर, सूरजपुर और कोंडा गांव, साथ ही साथ भिलाई की तस्वीर आप देखते हैं, जहां अलग अलग जिलों में किस तरह से लोग बड़ी संख्या में एक साथ जुटे और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। एक तरफ तमाम बड़े मंत्री पदाधिकारी मौजूद रहे और तो सिर्फ आम लोगों की भी 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों की आपको हम दिखा रहे हैं। योग करें, निरोग रहें, वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आज ये 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल के ऑडिटोरियम में विश्व योग दिवस मनाया गया। यहां पर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश मंत्री किशोर महानंद रायपुर के बालाजी विद्या मंदिर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिलाई महाविद्यालय में योग किया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने योग दिवस के अवसर पर रायपुर के टिकरापारा नूतन स्कूल में सामूहिक योगाभ्यास किया है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको अन्य जिलों की भी दिखा रहे हैं और अलग अलग बड़े मंत्री पदाधिकारी और जितने भी मुख्य राजनीति से जुड़े हुए लोग अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए, इसकी तस्वीरें एक साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। 650 बिस्तर वाले इस अस्पताल के स्टाफ नर्स स्टाफ की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और भर्ती होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। इधर स्टाफ नर्स की हड़ताल को जूनियर डॉक्टर्स ने भी समर्थन दिया है। अस्पताल प्रबंधन का यह दावा है कि इनके हड़ताल पर जाने से व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, साथ ही उन्होंने स्टाफ नर्सों की मांग से सरकार को अवगत कराने की भी बात कही है। नहीं दी गई है, इनका बहिष्कार नियमानुसार नहीं है। अस्पताल प्रबंधन एवं शासन स्तर पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, अतः इनका बहिष्कार जो है पूर्णतः अनुचित है। अस्पताल में मरीजों, भर्ती मरीजों और ओपीडी में जो आने वाले मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था है, इलाज निरंतर जारी है। इधर प्रदेश में कई जगहों पर आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली है। आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर यह रैली निकाली गई और जगदलपुर में आरक्षण सहित कई मांगों को लेकर आदिवासी समाज के लोग एक साथ कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समाज की तरफ से मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जगदलपुर में भी इसी तरह से आदिवासी समाज एकजुट हुआ। कांकेर की भी यही तस्वीरें कहीं ना कहीं एसडीएम तक पहुंचकर राज्यपाल के नाम में ज्ञापन सौंपा है। दोनों जगहों पर इसी तरह से उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। स्थानीय रिजर्वेशन की मांग और साथ ही साथ अन्य मांगों को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए आदिवासी समाज के लोग, उनके कार्यकर्ता एसडीएम ऑफिस के पास पहुंचते हैं, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बात करो, बात करो, बात करो, बात करो।
हताश होकर के आज समाज रोड में उतरी है। और साथ ही साथ हमने पेशा कानून की जो बात किया है, पेशा कानून लागू तो कर दिया है, अब उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि 8 अगस्त 2022 को पेशा कानून लाया, लेकिन उसमें जो मूल भावनाओं के विपरीत उन्होंने पेशा कानून लागू किया गया है। और वो जो आज तक एक वर्ष होने जा रहा है, एक वर्ष में जो जो भी आवश्यक जो नियम आदेश अधिनियम जो संशोधन किया जाना था, अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जबकि 2 महीना शेष है। आज 2 महीना भी नहीं कह सकते, 1.5 महीना ही शेष है, क्योंकि 8 अगस्त 2023 को 2 साल हो जाए। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। पूरे प्रदेश में लोग उमस भरी गर्मी और लू से परेशान चल रहे हैं। राजनांदगांव में पारा 43 डिग्री के पास पहुंच गया। लू की चपेट में आने से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रतिदिन लू चलने की वजह से दर्जन भर से ज्यादा मरीज भर्ती किए जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में महिला मेडिसिन और पुरुष मेडिसिन वार्ड पूरी तरह से फुल चल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोग बहुत ही कम, अगर जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है तो भी घर से बाहर निकले, यही सलाह उन्हें दी जा रही है। पानी भरपूर मात्रा में पिए, शरीर के हिस्सों को धूप में जितनी ज्यादा हो सके ढक कर रखें, ORS का घोल जरूर लें और ग्लूकोज का भी उपयोग करें। जनरली जो है अभी लू का जो सीजन आ रहा है उसमें तो आते ही है पेशेंट, लेकिन एक्चुअली उसकी बचाव बहुत जरूरी है, जिसमें अपने को इन लोग को लगातार पानी पीते रहना है और बहुत सी मतलब जितने भी चीज़ें हैं जो धूप में ना रहने के कारण जो प्रॉब्लम आते हैं उससे बचाव के बन को बहुत ज़रूरी है कि ठंडे मौसम मतलब ठंडी जगह में ही रहे, ज़्यादा पानी गर्मियों का यूज़ ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो गर्मियों से जो बचाव के जितने भी उपाय हैं आपके, वो गर्मियों से बचने की कोशिश बहुत करना चाहिए। आज साल का सबसे लंबा दिन रहा। आज के दिन सूर्य की किरणें आपके ठीक ऊपर से होकर गुजरती हैं और इससे परछाई भी गायब हो जाती है। नो शैडो डे का असर सरगुजा में साफ तौर पर देखा गया, जहां सरगुजा के मौसम वैज्ञानिक AM भट्ट ने नो शैडो डे को बताने के लिए खंभे के जरिए इसका आकलन किया, जिसमें परछाई साउथ से नॉर्थ की ओर गुजरती हुई दिखी है। मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की हमारे संवाददाता श्रवण कुमार महंत ने। आज नो शैडो डे है और कहते हैं कि आज के दिन परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक M भट्ट जी हैं। हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आज जो सूर्य की स्थिति होती है वो कर्क रेखा के ठीक लंबवत होती है। कर्क रेखा जो पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा है और ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ठीक ऊपर लंबवत सूर्य की रेखाएँ पड़ती हैं। तो जब दोपहर में 12 बजे ठीक सूरज हमारे ऊपर होता है, ओवरहेड होता है, बिल्कुल लंबवत होता है, उस समय वस्तुओं की परछाई जो होती है वो उसके ठीक नीचे बनती है। वो परछाई हमको नहीं दिखती है, इसलिए हम इसको आज नो शैडो डे कहते हैं। सरगुजा संभाग है, उस हमारे बताते हैं कि यहाँ पे कर्क रेखा भी गुजरता है। तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है यहाँ पे? देखिए, हम कर्क वृत्त में हैं और कर्क रेखा यहाँ से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर से बलरामपुर जिले से होकर गुजरती है। तो हालांकि कर्क रेखा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन चूँकि ये जो क्षेत्र हमारा सरगुजा का है ये वन से ढका हुआ है, यहाँ पठारी इलाके ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। लेकिन जो मैदानी इलाके इसके हैं या जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, जो राजस्थान का इलाका है जो इसी लाइन पड़ता है, वहाँ पे बारिश कम होती है और तापमान वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका प्रभाव अगर कहें तो दिन की लंबे सबसे ज़्यादा लंबा दिन रहता है, तो ये किस तरह? हाँ, आज के दिन जो है ये सूर्य जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध के बिल्कुल अंतिम सिरे पे हैं। आज के बाद सूर्य की किरणें, सूर्य जो होगा पृथ्वी की घूमने के हिसाब से सूर्य की किरणें जो होंगी पुनः भूमध्य रेखा की ओर जानी शुरू हो जाएंगी। आज यहाँ पर इस क्षेत्र में जो दिन की अवधि होगी वो 13.5 से 14 घंटे के बीच रहने वाली है। सबसे लंबी अवधि का दिन आज होने वाला है यहाँ पर। तो सबसे लंबी अवधि का दिन होने का मतलब है कि यहाँ जो सूर्य की किरणें होंगी लंबी अवधि तक पड़ेंगी, तो तापमान इस क्षेत्र में आज थोड़ा सा मतलब बढ़ जाएगा। तो ये थे M भट्ट साहब। 12 बजे का वक्त है और बिल्कुल परछाई गायब हो गई है। तो श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और अब जिक्र करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
दो मिनट के इस शॉर्ट फिल्म में ट्रैफिक संबंधित जानकारी दी जाएगी। ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग दो मिनट का शॉर्ट फिल्म बना सकेंगे। इन्हें लघु फिल्म महोत्सव के दौरान लोगों को दिखाया जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया फिल्म को 80,000 और दूसरे नंबर पर रहने वाली फिल्म को 60,000, तीसरे नंबर पर 40,000 रुपए का इनाम दिया जाना है। सड़क सुरक्षा के प्रति जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में विभिन्न बोली भाषाओं में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है और इसके लिए हम प्रविष्टियां आहूत कर रहे हैं और एक जूरी उन प्रविष्टियों का आकलन करने के पश्चात में उनका निर्धारण करेगी, उनके स्थान का निर्धारण करेगी और उन्हें पारितोषिक भी दिया जाएगा और जो चुनिंदा प्रविष्टियां रहेंगी उसका हम प्रदर्शन भी करना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों में, दूरस्थ अंचलों में, बाजारों में और सभी स्थानों में। और छत्तीसगढ़ की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच मध्यप्रदेश की शिवपुरी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थिंक गैस की लाइन में अचानक से भीषण आग लग गई है। सिलेंडर फटने की वजह से आग लगना अभी तक सामने आ पाया है। अभी तक यही कारण स्पष्ट किया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से यहां पर भीषण आग लगी और आग की चपेट में घर भी आ गया है। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झांसी तिराहे इलाके की पूरी घटना जिसे लेकर अब लगातार प्रशासनिक स्तर पर भी जानकारी जुटाने की कोशिश, क्योंकि 6 लोग ऐसे हैं जो कि इस पूरी घटना के दौरान घायल भी हुए। तस्वीरें आप देखिए, शिवपुरी की तस्वीरें। थिंक गैस लाइन में सिलेंडर फटने की वजह से अचानक से भीषण आग थकी और धीरे धीरे कर इस आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास रहवासी क्षेत्र है, यह भी बताया जाता है कि घर को अपनी चपेट में लिया इस आग ने और इसी वजह से 6 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में सीधे भर्ती करवाए गए हैं। झांसी तिराहे इलाके की ये पूरी दुर्घटना तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से भीषण आग लगी, सिलेंडर फटने की वजह से पूरी घटना सामने आई। पास मौजूद घर को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और स्थिति ऐसी है कि 6 लोग फिलहाल घायल अवस्था में अस्पताल में फौरन भर्ती करवाए गए हैं। दमकल की टीमें भी यहां पर पहुंची, लेकिन उससे पहले किस तरह से विकराल लपटे इस आग की देखी गई है तस्वीरें आप देखिए, पीछे का हिस्सा जहां अचानक से भीषण आग लगी और साथ ही साथ एक घर को भी चपेट में लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दमकल कर्मी भी लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से दमकल कर्मी भी इस आग को बुझाने के लिए तमाम मशक्कत कर रहे थे। मौके पर मौजूदा हालात क्या है ये हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, मौके पर क्या कुछ स्थिति है भाई? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम सुपरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर इलाके का है। यहाँ पर थिंक गैस की लाइन का काम चल रहा था। थिंक गैस की लाइन में अचानक से आग लगी, जिस और वो आग की जो लाइन बनते हुए सीधे ये घर में राठौर परिवार है, उनके घर में आग पहुंच गई और वहाँ सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 7 से अधिक लोग उस परिवार के घायल हो गए हैं, जिन्हें शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसमें से 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। सिंगरौली से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बच्चे के साथ नहर में एक महिला कूद गई है। 7 साल के बच्चे को लेकर नहर में महिला कूदी, बच्चे का शव पाया गया है। महिला की तलाश अब की जा रही है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। घरेलू विवाद खुदकुशी का कारण बताया जा रहा है। विंध्यनगर थाना के डोटी गांव का ये पूरा मामला, डोटी गांव, जहां पर ये बताया जा रहा है कि परिवार के बीच आपसी विवाद रहा और इसी वजह से इस महिला ने अपने बच्चे के साथ नहर में छलांग लगा दी। बच्चे का शव बाहर निकाला गया है, महिला की तलाश जारी। तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भीषण गर्मी, उमस और लू चलने की भविष्यवाणी की है, लेकिन इसी बीच कुछ जिलों में रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मुंगेली जिले में कई जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और अगर हम दूसरी तरफ बात कुरेला पिंडो मरवाही की करें तो यहां पर भी मौसम का मिजाज बदला है, कई जगहों पर झमाझम बारिश की स्थिति। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजनांदगांव, बलरामपुर, कांकेर और कवर्धा का भी ये दृश्य देखिए, जहां पर मौसम मेहरबान नजर आता है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। योग दिवस पर रायपुर के देवेंद्र नगर से गुजराती स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रहे मौजूद। अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुटी पंडवानी गायिका उषा बार्ले, उषा बार्ले के घर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, अमित शाह के दौरे से डरी है कांग्रेस। सीएम हाउस घेराव मामले में बीजेवाईएम के 3 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, थाना प्रभारी पर हमला करने के मामले में भी मुकदमा दर्ज। नक्सली ने की अपने ही साथी की हत्या, नक्सली लीडर मानू दुग्गा का मर्डर। मशहूर गायक मोहम्मद जाकिर हुसैन का निधन, बिलासपुर में ली अंतिम सांस। महासमुंद में मुनका से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़, और सामाजिक तत्वों ने अस्पताल में मचाया उत्पात। कांकेर में पुलिसकर्मी ने अनाथ लड़की से रचाई शादी, लड़की के बालिक होने के बाद कांस्टेबल ने लिए साथे। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज ने निकाली रैली, कांकेर कलेक्ट्रेट मार्ग पर किया विरोध प्रदर्शन। जगदलपुर में मांगों को लेकर आदिवासी समाज की रैली, एससीएसटी और ओबीसी में स्थानीय भर्ती की मांग। महासमुंद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। बलरामपुर में यात्री बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत, हादसे में 6 यात्री को आई गंभीर चोटें। कोंडागांव में शातिर चोर गिरोह का खुलासा, कोंडागांव पुलिस ने ओडिशा से पकड़े 10 आरोपी। बिलासपुर में 7 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार, यूपी का रहने वाला है आरोपी रामचरण। रायपुर रिम्स हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, गोढ़ी स्थित रिम्स के 4th फ्लोर पर धधकी आग। सूरजपुर में भूसा गोदाम में भीषण आग, बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड का कर्मचारी झुलसा। बलरामपुर में बदला मौसम का मिजाज, चमक गरज के साथ शुरू हुई बारिश। पिंडा में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, पतले मौसम से गर्मी से मिली राहत। छत्तीसगढ़ राउंडअप में इतना ही, नमस्कार।